हेलो चारू, बुआ जी नहीं आई, गाड़ी स्टेशन से खाली ही लौट आई है। बुधन आज काम पर क्या नहीं आया? सरकार वो और उसकी जोड़ दोनों हैजे के शिकार हो गए। तुम कुछ दिनों के लिए इस बच्चे को अपने पास रख सकती हो। नीच जाति की लड़की और आपने नाम रख दिया सुजाता। किसी अच्छे खानदान के तो है ना? जी नहीं, अछूत है। अछूत? इस बार फिर से तबादले का हुक्म आ गया। आपके कौन से जंगल में जाना पड़ेगा? देहरादून। अभी तक उस नीच जाति के अछूत लड़की को तुमने घर से नहीं निकाला जहाँ तक लाश लाया हो। उसे फेंक कहाँ देते बुआ जी? ए सुजाता सुन, पहले दीदी कह के फूका फिर सब सुनूंगी। अच्छा बाबा दीदी, आप तो बुआ जी की छुआछूत के विचारों को जानती हैं। अगर सुजाता चाय लाती तो ना तो खुद बुआ जी पीती ना आधीर को पीने की। मैं कौन हूँ? तू अछूत है। अछूत? हाँ, एकदम नीची जात। तेरे हाथ का छुआ खाना तो क्या, तेरी परछाई तक से लोग दूर रहना चाहते। देखो देखो कितनी हंसी खुशी जा रहे हैं, लच्छन बड़े अच्छे हैं चारों। अरे छोड़ छोड़ शरीर छोड़ ना। हाँ छोड़ दी, छोड़ ना। 1 2 3 तुम्हारे बस की बात है, मैं ही अपने ड्राइवर से कह के उसके लिए कोई एक लड़का ढूंढवाती। बताओ सपने की तरह मेरे जीवन में तुम कब आओगी? जब तुम चाहो। बुआ जी का फोन आया था, सुजाता के ब्याह की बात उन्होंने एकदम पक्की कर ली। बात एकदम पक्की कर ली? सुजाता का ब्याह न हुआ तो रमा और आधीर की शादी भी तो अटक जाएगी। आज घाट पर आपके साथ जो भी बातें हुई वो झूठ थी, वो सब आप बिल्कुल भूल जाइए। ये क्या कह रही हो सुजाता? उन लोगों के घर में वो अछूत लड़की रहती है ना, अरे वो सुजाता, उसकी शादी पक्की हो गई। दूल्हा भी उसी की तरह नीच जाति का है, सुजाता भी इस रिश्ते से बहुत खुश है। तुम जो भी हो, तुम्ही ने मेरे सपने सजाए हैं, तुम्ही से मैंने प्रेम करना सीखा है। एक अछूत लड़की के मोह में पड़कर अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। मैं जात पात में विश्वास नहीं करता। क्या हुआ अम्मी? खबरदार, मैं तेरी अम्मी नहीं हूँ, चली जा यहाँ से, चली जा। मैं जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगी, जिंदगी भर मुंह नहीं। जाओ। अब क्या क्या जा डॉक्टर? कुछ समझ में नहीं आ रहा, खून तो फौरन ही मिलना चाहिए, यहाँ और कोई नहीं है। आप मेरा खून देख लीजिए। कल रात से एक ही बात बार बार मेरे मन में उठ रही है अधीर, आखिरकार सुजाता के खून के साथ चारू का खून। तो आपका विचार क्या यही है कि छोटी जात और बड़ी जात के लोगों के खून अलग अलग तरह के होते हैं? फिर कहो माँ, यही सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे।